जय हिंद। देखिए पीजीटी मैथ जो है ये यहाँ पर जो है साल्व करवा रहे बेसिक चीज़ें कुछ, और हमने बताया था कि इसके पहले दो तीन तीन चार लेक्चर हो गए हैं, ये चौथा ये पांचवा लेक्चर जो चल रहा है। तो हमने बताया था कि उसमें जो पीजीटी के लिए आईआईटी मेंस की जो चैप्टर वाइज बुक आती है उसको पढ़ते जाना, ठीक। और आज हम कुछ इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मॉडुलस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम जो है बता चुके थे, है ना, मॉडुलस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो है नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पर क्या दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो क्या उनका जो है सम जीरो के इक्वल हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, यदि एक्स जीरो हो एंड वाई जीरो हो, ठीक है। यदि एक्स जीरो हो और वाई जीरो हो तो जो है ये हमारा जीरो हो सकता है ना। लेकिन यदि हम कोई और वैल्यूज लेते, मान लो वन लेते हैं, है ना, या इसको वन लेते हैं तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये जीरो जो है नहीं होंगे, ठीक। मान लो हमने y को 1 ले लिया और x को जो है हमने आयोटा ले लिया, ठीक। तो आयोटा लेने पर जो ये हमारा आई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, से माइनस 1 और ये प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का कि यदि हम इसको इमेजिनरी नंबर्स ले लें, ठीक, कोई एक इमेजिनरी नंबर्स ले लें तो ये हमारे जो है जीरो हो सकता है। तो ऐसे इमेजिनरी नंबर्स के लिए बहुत सारी वैल्यूज होंगी जिसके लिए जीरो होगा, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर जो है रियल्स नंबर्स की बात करें तो हम रियल नंबर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो जब कॉम्प्लेक्स का चैप्टर आएगा तो उसमें जो है कॉम्प्लेक्स के ही जो है डिस्कस किए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ रियल्स चल रहे हैं तो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स से कोई मतलब नहीं है। तो रियल्स के लिए केवल अगर x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो है तभी ये जीरो हो सकता है, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो यहां पर x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो है और x y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो है, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई? 2, ठीक। और एक क्वेश्चन ये है कि x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ से अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1, और y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है, ये जो इसका जो आंसर होगा, मान लो हमने एक जो है ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारा पॉइंट 1 है x में और ये हमारा पॉइंट 2 है, ठीक। तो इसके लिए केवल एक पॉइंट होगा आंसर, इसके लिए क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में, इसके लिए केवल एक पॉइंट होगा। लेकिन इसके लिए या तो 1 होगा या तो 2 हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, समझ में आया। जैसे देखो ये 1 से होकर के वाई एक्सिस के पैरेलल और ये 2 से होकर के एक्स एक्सिस के पैरेलल जाए, है ना। तो इसका जो ये पॉइंट होगा ये पॉइंट 1 और 2 है, ठीक। और इसमें देखिए यदि हम x इज इक्वल टू 1 लें, ठीक, और y हम कुछ भी लें, ठीक, तो ये जो है हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। या y इज इक्वल टू हम 2 ले लें और x कुछ भी लें, ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हो रहा है इक्वेशन, ये सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पॉइंट है इसका, ये भी इसका आंसर है, और 1 और 2 में से या तो 1 जो है इसका आंसर या तो 2 है या दोनों है। तो इस प्रकार के जो इक्वेशंस में
ये जो आंसर आ रहा है, ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है इन दो स्ट्रेट लाइन्सों का लाइन का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इन दो स्ट्रेट लाइन का क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक, इसका आंसर, और इसका आंसर केवल क्या है, ओनली ये पॉइंट है। ठीक, और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो हम इसको कहें कि यक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू फाइव कहें, तो कभी जो है इंटरसेक्शन इसका नहीं हो सकता। ठीक है, इसका केवल आंसर वन और टू ही होगा, इसका इंटरसेक्शन भी ऐसे क्वेश्चनों का नहीं होता, केवल इसका आंसर जो होगा वन और टू होगा। और इसके जो आंसर होंगे तो ये जो है दो स्ट्रेट लाइन्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना। जहाँ हम वाई इज इक्वल टू लें और यक्स कुछ भी लें, या यक्स इज इक्वल टू वन लें वाई कुछ भी लें, तो ऐसे जो है इक्वेशंस का आंसर जो है क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, इसको जो है जो मैं बोल रहा हूं और जो ये कह रहा हूं इसको नोट करते जाना। ठीक है, और ये जो है बहुत पूछे भी जाते हैं। ठीक, ये सबसे ज्यादा इन्हीं में जो है मतलब कंफ्यूज करता है। मान लो ऐसे दे दिया इसका आंसर क्या होगा, आपने जो है निकाला वन और टू आ गए, और तुमने जो है वहां दिया है कि वन या टू, या वन टू, और या जो कह सकता है वन टू या वन और टू, ऐसे दे दिया या कह दिया कि दो स्ट्रेट लाइनों का कॉम्बिनेशन, तो फिर क्या करोगे। हमने जो बताया कि दो स्ट्रेट लाइन्सों का लाइन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो आंसर फिर वही होगा, है ना। तो ये बेसिकल चीज़ें बहुत लोगों को जो है नहीं मालूम होती। ठीक, और ये बेसिक चीज़ें जब तक नहीं आएंगी तो फिर तुम जो है कुछ नहीं कर सकते। अब क्या है ये 6, 7, 8 में सब चीज़ें हैं, लेकिन मेन क्या है कि वहाँ ये सब बताया नहीं जाता है। ठीक, सो एक हम क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, और यहाँ पर हम रियल्स की बात ही करेंगे, कॉम्प्लेक्स के जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो कॉम्प्लेक्स के यहाँ इमेजिनरी की जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ रियल्स चल रहा है तो भी रियल्स की ही हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन ये है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स माइनस टेन का स्क्वायर। ठीक, एक्स माइनस टेन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको तुम जो सॉल्व करोगे, इसको क्या करोगे, सॉल्व करते रहोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। भले इनका ये होल ऑफ स्क्वायर जो है तोड़ोगे, फिर इनको जो है सॉल्व करोगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, ध्यान रखना, यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू तुम लोगे तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करोगे। ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वन आएगी। एक्स माइनस टू इज इक्वल जीरो करोगे तो इसकी वैल्यू टू आएगी, है ना। ठीक, तो यहाँ पर एंड लगेगा। ठीक, यहाँ पर क्या लगेगा, एंड, ध्यान रखना, इस ऐसे क्वेश्चनों में एंड लगाते हैं, जैसे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड वाई माइनस ओ सॉरी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड डॉट डॉट एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वन, यहाँ से टू, यहाँ से मान लो टेन, है ना, और बीच की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स क्या है, केवल एक ही है, ओनली वन वेरिएबल जो कि एक्स है, और एंड चल रहा है, तो इन सभी का जो है अगर आंसर तुम निकालोगे तो इन सभी का तुम इंटरसेक्शन निकालो। क्या निकालो, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तुम अगर इनका इंटरसेक्शन लोगे, ठीक, तो इंटरसेक्शन मान लो इसमें वन है, इसमें टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, यहाँ फाइव है, यहाँ सिक्स है, यहाँ डॉट डॉट टेन है, और इन सभी का इंटरसेक्शन ले लोगे। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी ई डॉट डॉट, मान लो ये आई है, और इन सभी का तुम इंटरसेक्शन निकालोगे, ठीक, तो तुम्हें इनमें जो है तुम्हें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी तुम्हें कॉमन नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फाइव होगा। क्या होगा, फाइव, यानी इसका जो आंसर होगा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ।
ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे जो है सॉल्व करते हैं, नोट कर लेना ठीक। ठीक तो यहाँ पर हम जो इंटरसेक्शन लेंगे तो इनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ x जो हमारा क्या होगा, फाइव होगा, आया समझ में, क्योंकि यहाँ ओनली वन वेरिएबल से है। यहाँ समझना, यहाँ जब इसको जीरो के बराबर करेंगे, यहाँ जब इसके जीरो के बराबर करेंगे, तो यहाँ सिर्फ जो है एंड और आर का खेल है, ये समझ लेना ठीक। एंड और आर, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, आर का मतलब होता है यूनियन। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम क्या लेते हैं, एंड लेते हैं, और इनका जो आंसर आएगा वो सीधे क्या आएगा, फाइव ठीक है, यानी कोई आंसर जो है इसके लिए नहीं होगा ठीक। समझ में आया, और इसको नोट कर लेना। सो नेक्स्ट जो है देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट हमने क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो डी अगर हमारा जीरो से बड़ा है, डी हमारा जो क्या है इक्वल है, और डी हमारा जीरो से छोटा है, तो क्या कैसे जो है वैल्यूज इनके जो है फाइंड करते हैं, रूट्स कैसे जो है निकालते हैं वो देखेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, यदि हमारा डी है ना, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पर यदि हमारा डी परफेक्ट रूट्स है, डी हमारा क्या है, डी इज परफेक्ट रूट ठीक है, यदि डी हमारा परफेक्ट रूट है ठीक, ध्यान रखना, तो उसके जो मतलब रूट्स आएंगे ठीक, वो हमारे क्या आएंगे, क्या आएंगे, इरेशनल क्रेशनल, हमारे जो है उसके जो रूट्स आएंगे ठीक, वो हमारे क्या आएंगे, रेशनल आएंगे। कब आएंगे ध्यान रखना, व्हेन ए बी सी बिलोंग्स रेशनल नंबर, क्यों रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो हमारे जो रूट्स आएंगे ना इसके ठीक, यदि हमारे ए बी सी रेशनल नंबर्स को अगर बिलोंग करते हैं, अगर ये हमारे ए बी सी रेशनल नंबर हैं, और उनका अगर डी हम निकालें और वो एक परफेक्ट रूट बन रहा है ठीक, तो उसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे हमारे, वो एक जो है रेशनल नंबर्स ही आएंगे ठीक, वो क्या होंगे, रेशनल नंबर्स ही होंगे ठीक है, समझ में आया। तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रेशनल नंबर्स होंगे ठीक, कब, जब ए बी सी हमारे क्या होंगे, बिलोंग करेगा रेशनल नंबर्स को। ठीक तो ये नोट कर लेना, समझ में आया। तो हमारे ए बी सी जो है रेशनल है, तो हमारे रूट्स क्या आएंगे, रेशनल, और रेशनल आप जानते हैं उसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं रेशनल में, वन टू थ्री डॉट डॉट इनफाइनाइट माइनस वन माइनस टू माइनस इनफाइनाइट तक जो है, ये सब जो है इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और वन अपान टू माइनस वन अपान टू पी बटे क्यू के मतलब फॉर्म में होना चाहिए, तो हमारे रेशनल जो है होते हैं। और मान लो सपोज दैट इफ ए बी सी बिलोंग्स रेशनल नंबर है ना, इफ ए बी सी बिलोंग रेशनल नंबर एंड डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन तब क्या होगा है ना, यदि हमारा डी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ठीक, और ए बी सी हमारे रेशनल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स हैं, तो फिर क्या होगा, तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन उसके जो रूट्स होंगे ना, उसके रूट्स जो आएंगे वो इरेशनल होंगे, क्या होंगे, इरेशनल।
रूट्स क्या होंगे? इरेशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे? इरेशनल होंगे। ठीक, समझ में आया। और मान लो यहां पर रूट थ्री है, या रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा? थ्री। तो ये हमारे रेशनल नंबर्स जो है नहीं होते। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर वन अपॉन टू पी और क्यू ऐसे में जो है हमारे रेशनल नंबर्स होना चाहिए, क्योंकि जिनके जो है मतलब वैल्यू हम न फाइंड कर सके, मतलब वो बढ़ती हुई चली जाए। ठीक है, जैसे रूट टू है, रूट थ्री है, ये सब हमारे क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेंगे और ये हमारे रेशनल नहीं होती। तो हमारे ए बी सी रेशनल को बिलोंग करें, फिर से सुन लो, तो हमारे रूट्स क्या होंगे? रेशनल होंगे। और यदि हमारे ए बी सी रेशनल हैं और हमारा उनका स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स क्या होंगे? इरेशनल होंगे। क्या होंगे? इरेशनल। अब वो हमारे रूट्स किस टाइप्स में होंगे? वो पी प्लस, ठीक, अंडर रूट क्यू, या पी माइनस अंडर रूट क्यू, वो इस प्रकार इस टाइप्स के रूट्स होंगे। ठीक है, वो किस टाइप्स के रूट होंगे? इस टाइप्स के, समझे? जैसे मान लो हमारा ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा क्या आ गया? टू आ गया। सपोज दैट, जैसे हमने यहां पर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिया है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिया। अब इसकी जो मतलब यहाँ पर जो ये डी है, ये डी मान लो हमें मिल गया थ्री। क्या मिल गया? थ्री। ठीक, ये पूरा थ्री आ गया। तो अब ये हमारा क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट थ्री अपान में मान लो टू ए है तो यहाँ वन है, ऐसे कुछ आ गया है ना, तो इसको टू ए रहने दो। तो देखो यहाँ पर ये माइनस बी और प्लस रूट थ्री अपान में टू ए, और ये माइनस बी माइनस रूट थ्री अपान में टू ए। ठीक, बी और ए की वैल्यूज कुछ इक्वेशन रहेगा वैसे उसमें दिया रहेगा, वो देख लेना, मैं एक समझाने के लिए तुम्हें ये थ्री यहाँ पर रखा है। तो हमारे देखो इस टाइप्स के हैं, ये पी है और ये पूरा क्यू है, ये पी है, ये पूरा क्यू है। तो जो इरेशनल हमारे रूट्स आएंगे ना, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और क्यू हमारा ए बी सी को बिलोंग करे, तो इस टाइप्स के रूट्स आएंगे। ध्यान रखना, नोट कर लेना, इस टाइप्स के जो है रूट्स मिलेंगे। ठीक, एंड नेक्स्ट जो है और नेक्स्ट इसमें ये बात जो है नोट कर लेना कि यदि जो हमारे ए बी सी बिलोंग इरेशनल है ना, यदि ए बी सी हमारे इरेशनल को जो है क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर रूट्स हमारे जो है क्या होंगे? इरेशनल होंगे या रेशनल होंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। फिर जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? गलत हो जाएगा। और हमारे जो रूट्स जो मिलेंगे, ठीक है, तो क्लियर नहीं कह सकते क्या मिलेंगे। ठीक, वो फिर जो है निकालने के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये खेल हमारा जो रूट्स निकालने वाला ना, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अगर हमारे ए बी सी इरेशनल को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी बात जो है नोट कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, तो नोट कर लिए होंगे। अब देखो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट जो है इसमें क्या है? यदि ए हमारा वन है, ए हमारा क्या है? वन, और बी और सी हमारे इंटीजर्स को बिलोंग करें। किसको? इंटीजर्स को। बी और सी इंटीजर्स आप लोग जानते हैं, जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट है ना, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये सब हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक, तो अगर ये हमारे ए वन हो और बी और सी हमारे इंटीजर्स को बिलोंग करे, ठीक है,
तो हमारे जो उसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स ही मिलेंगे। ठीक, ये बात भी नोट कर लेना। तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रूट्स इंटीजर्स ही होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, रूट्स हमारे इंटीजर्स होंगे, ये जो है लिख लेना। यदि हमारा ए जो है वन है और बी सी हमारा बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, तो हमारे रूट्स जो आएंगे वो एक क्या आएंगे, इंटीजर्स ही आएंगे। ठीक है, नोट कर लेना इसको। यदि हमारे रूट्स जो है वो ए वन है और बी और सी हमारे इंटीजर्स हैं, तो हमारे रूट्स क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। ठीक, समझ में आया। लेकिन तुमने ये तो समझ लिया कि यदि बी और सी हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं और ए वन है, तभी रूट्स इंटीजर्स होंगे। लेकिन एक शर्त इसमें, कंडीशन भी है, डी यदि परफेक्ट स्क्वायर हो तब, ठीक है, तो रूट्स इंटीजर होंगे इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, मतलब डी जो है परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो उसके रूट्स क्या आएंगे, इंटीजर्स ही आएंगे। ठीक, वैसे सब पूछे नहीं जाते, रियल और इमेजिनरी से रिलेटेड ही अधिकतर पूछे जाते, तो वो बेस जो है मजबूत रखना। ठीक, अगर पूछे जाते हैं तो हम जो है मान लो पूछ लिया जाए, बता दे रहे हैं कि कैसे जो है इनको निकालते। ठीक, अब नेक्स्ट जो है देखेंगे, सो डी इज परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स जो है और ए हमारा वन है, बी सी इंटीजर्स को बिलोंग करे, तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मान लो एक हमारे पास प्रश्न है, क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है ना, तो ये हमारा जीरो इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, ये हमारा क्या मिलेगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, जब दोनों तरफ के जो है वेरिएबल्स के पावर्स क्या हों, सेम हो और कांस्टेंट नंबर्स भी सेम हों, ठीक, तो इसके लिए जो रूट्स होंगे ना वो इनफाइनाइट रूट्स निकलेंगे, और ऐसे जो है इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, ध्यान रखना। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी हमारी जो है क्यूबिक भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, समझ रहे हो। मान लो हमने यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिया, ये भी तो हमारा अगर सॉल्व करें तो जीरो इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो ये भी हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी हमारी क्यूबिक भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, समझे। ठीक, तो ये जो है आइडेंटिटी होंगे। ठीक है, तो इनका जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होगा, ठीक, मतलब वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट भी जीरो होगा, कांस्टेंट वैल्यू का भी जो है कोएफिशिएंट जीरो होगा, तो ये हमारे जो है आइडेंटिटी होंगे। और आइडेंटिटी के जो है मतलब नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार क्यूबिक में भी इसके जो है नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ध्यान रखना। ठीक, समझ में आया, इसके भी जो है नंबर्स ऑफ रूट क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो इसको भी नोट करते जाना, कॉपी पेन जो है बगल में रख लेना, और पीजीटी के क्वेश्चनों में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से जो है, यही सब कॉन्सेप्ट पूछता है और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे से जो है मतलब क्लियर होना चाहिए। ठीक, और मान लो सब कुछ एक तरफ है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये सभी एक तरफ हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि ए भी हमारा जीरो होगा एंड लगेगा, लेकिन एंड बी भी हमारा जीरो होगा एंड कांस्टेंट का जो कोएफिशिएंट है सी वो भी हमारा क्या होगा जीरो होगा। ठीक, ये भी हमारा क्या होगा जीरो होगा। ठीक, तभी जा कर के जो है ये क्या बनेंगे, एक आइडेंटिटी बनेगी। ठीक, और आइडेंटिटी के जो रूट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। अब सपोज दैट मान लो इक्वल में दे दिया ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू, ऐसे दे दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वन हमारा ए टू के इक्वल होगा, बी वन बी टू के इक्वल होगा, सी वन सी टू के इक्वल होगा, है ना, सी वन सी टू के इक्वल होगा। ठीक, और यहाँ एंड लगेगा, ध्यान रखना क्या लगेगा, एंड, एंड का मतलब क्या होता है यूनियन, एंड का मतलब यूनियन होता है। तो ऐसे जो है ये भी हमारी क्या है आइडेंटिटी है, जब इनके जो कोएफिशिएंट जो है मतलब दोनों तरफ इक्वल है और ए वन ए टू के इक्वल है, बी वन बी टू के इक्वल है, सी वन सी टू के इक्वल है। ठीक, तो ये भी हमारी एक तरफ की क्या है आइडेंटिटी है। ठीक, यानी सेम पावर के कोएफिशिएंट जो है क्या होंगे इक्वल होंगे, ऐसे जब इक्वल हैं और दोनों तरफ तो सेम पावर के जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक, तो इसको भी जो है नोट कर लेना और ये आइडेंटिटी है। ठीक है, और अगर जो है ये तुमने जो है पढ़ा कि आइडेंटिटी में क्या होता है वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसके रूट्स क्या होंगे दो होंगे, और अगर वो जो है क्यूबिक है तो उसके रूट क्या होंगे थ्री होंगे, है ना, उसके रूट्स क्या होंगे थ्री होंगे। लेकिन आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में इनफाइनाइटली मतलब बहुत सारे जो है रूट्स आते हैं। ठीक, इन आइडेंटिटी में क्या होते हैं नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कभी तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दे दे इस प्रकार के और कह दे कि ये क्वाड्रेटिक ये जो है इसके जो मतलब ये किस प्रकार के जो है इक्वेशन है, तो आप जो है कैसे पहचानोगे, है ना। तो रूट्स अगर उसके जो है दो आ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक है, रूट्स अगर थ्री आ रहे हैं तो क्या है क्यूबिक है, और जो है थ्री या थ्री से मतलब फिर जो है ज़्यादा आ गए रूट्स तो फिर वो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। अगर क्वाड्रेटिक है और उसके रूट्स थ्री या थ्री से ज़्यादा निकल रहे हैं तो फिर वो आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक, ठीक है, तो ये बात जो है ध्यान रखना। यदि क्यूबिक इक्वेशन है, मान लो इसमें क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, अगर रूट्स उसके जो है थ्री आ रहे हैं तो ठीक है क्यूबिक है, अगर थ्री से ज़्यादा आने लगे तो फिर क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, समझ रहे हो। तो ये बात भी जो है ध्यान रखना। तो क्वेश्चन मान लो तुमसे यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा, मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया इफ ए स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस ए माइनस वन इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस वन प्लस ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हैज थ्री रूट्स फाइंड ए, हैज थ्री रूट्स फाइंड ए, ओके, हैज थ्री रूट्स फाइंड ए, ऐसे कहा। अब तुम्हें देखो यहाँ पहले सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे समझना, ए स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर यही समझ गया कि एक्स स्क्वायर मतलब ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्या कहा हैज थ्री रूट्स मतलब इसके पास तीन रूट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, रूट्स कितने हैं थ्री हैं, तो ये हमारा क्या है कैसा आइडेंटिटी हुई, बिल्कुल आइडेंटिटी होगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है लेकिन कह रहा है कि थ्री रूट्स हैं, तो ए हमें निकालना है, क्या निकालना है ए। तो आइडेंटिटी की मैंने कंडीशन क्या बताया
कि जो उनका कोफिशियंट होता है एक्स स्क्वायर का वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल जीरो होगा, यहाँ से एक्स का कोफिशियंट माइनस ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा, कांस्टेंट का कोफिशियंट भी जीरो होगा, है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस वन, और यहाँ से ए की वैल्यू आएगी वन, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस वन, ठीक। अब यहाँ पर एंड लगेगा, क्या लगेगा एंड, मतलब ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड ए इज इक्वल टू वन एंड ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये ठीक। और एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, क्या होता है इंटरसेक्शन। सो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास एक आई है वन माइनस वन, और एक ए की वैल्यू आई है वन, और एक ए की वैल्यू आई है माइनस वन प्लस वन, है ना। तो इन तीनों में इनका इंटरसेक्शन क्या है, तो इंटरसेक्शन हमें क्या मिल रहा है बताओ, इनका इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ मिलना चाहिए। इसको प्लस कर ले, क्या कर ले प्लस, यहाँ से माइनस वन आएगा, है ना। तो ये हमारे जो है यहाँ देखो माइनस वन यहाँ भी माइनस वन, तो इसका ए का जो यहाँ ये की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस वन होगी, ठीक। ऐसे भी दिए रहेंगे लेकिन आप लोग ऐसे निकाल के चेक कर लेंगे, बस जो टिक कराएंगे कि ये होगा, लेकिन ए की वैल्यू जो रियल वैल्यू होगी वो माइनस वन होगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट जो है इसका आंसर ये होगा, नेक्स्ट इसी में देखते हैं, यहां पर मान लो हमने ए प्लस टू कर दिया, क्या कर दिया ए प्लस टू और कुछ नहीं किए, और ए प्लस टू करने के बाद इसमें हमने कह दिया हैज थ्री रूट्स फाइंड ए, है ना। तो इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू प्लस माइनस वन, ए की वैल्यू माइनस वन और ए की वैल्यू माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ से ए की वैल्यू तुमसे क्या पूछा है कि ए की वैल्यू क्या होगी, है ना। अगर ये जो है थ्री रूट्स हैं इसके, तो ए की वैल्यू क्या होगी फाइंड ए में, ठीक। तो ए की वैल्यू यहाँ पर इंटरसेक्शन हम लेते हैं, एंड लगाते हैं, अभी हम इसके पहले डिस्कस किए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रही, मतलब यहाँ तुम्हें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी फाइव होगी, क्या होगी फाइव, यानी ए की वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं होगी, समझ में आया, ठीक। तो यहाँ पर ए की वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ ए इज नो वैल्यू, है ना, कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी, ठीक, समझ में आया। तो ये जो है एक क्वेश्चन तुम्हारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, मान लो तुम्हें कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक। और इसमें कह दिया हैज रेशनल रूट्स फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी
ऑफ पी बिलोंग माइनस फाइव टू फाइव। ठीक, मतलब कह रहा है कि तुम्हें वो वैल्यू निकालना है, ठीक है, जो इनके इनके बीच में हो, और वो पी के लिए मतलब कितनी जो वैल्यू ऐसी आएंगी, ये तुमसे कह रहा है। ठीक है, समझाया? मतलब वो तुम्हें रेशनल रूट्स निकालना है, परिमेय रूट्स जो हिंदी में बोलते हैं। ठीक, वो नंबर्स जो है निकालना है पी के लिए, ठीक है, जो इनके इनके बीच में अगर हम कुछ भी लें, ठीक है, और वो वैल्यू अगर हम निकालें तो वो पी के लिए कितनी हो सकती हैं, समझाए, वो पी की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, ये हमें इसमें निकालना है। ठीक, ठीक है, तो हमारी जो ये वैल्यूज कितनी आएगी, अगर पी हमारा क्या है, रेशनल है, तो रेशनल कंडीशन क्या होती है कि ए बी सी हमारे जो है रेशनल को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये हुई, ठीक है, पहली कंडीशन ये हुई कि हमारे जो है ये रेशनल को बिलोंग करना चाहिए। फिर अगर हमारे जो है रेशनल को बिलोंग कर रहे हैं तो हम यहाँ से डी निकालेंगे, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। ठीक है, और यहाँ पर डी हम रखेंगे, वो बी हम रखेंगे, तो पी स्क्वायर माइनस ये भी वन है ये भी, तो यहाँ प्लस फोर बनेगा, क्या बनेगा, फोर बनेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इनके इनके बीच में अगर वैल्यूज लेते हैं, ठीक, माइनस फाइव और फाइव के बीच में, तो हमारे पास जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये वैल्यूज जो है इसमें सेटिस्फाई कराना है। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर पी जीरो लेते हैं, पी क्या लेते हैं, जीरो, ठीक है, पी यदि हम जीरो लेते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, फोर बनेगा, क्या बनेगा, फोर। पी जीरो लेने पर हमारा ये डी क्या बना, फोर बना। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी जो हमारा एक, अगर हम जीरो लेते हैं तो ये हमारा डी की वैल्यू क्या है, फोर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, यदि हम डी की वैल्यू अगर हम पी की वैल्यू, सॉरी, पी की वैल्यू अगर वन लेते हैं तो हमारा डी क्या आएगा, फाइव आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डी की वैल्यू यदि यहाँ पर हम थ्री लेते हैं तो थ्री थ्री या नाइन, नाइन फोर कितना हो जाएगा, थर्टीन, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, मतलब कहने का यदि हम यहाँ पर मान लो फोर भी लेते हैं तो फोर फोर या सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर कितना हो जाएगा, ट्वेंटी। ठीक, तो ये इसमें बहुत सारा गैप होता चला जा रहा है। ठीक है, बहुत सारा क्या हो रहा है, गैप हो रहा है, मतलब इसके लिए अगर हम इसके बीच में माइनस फाइव और फाइव के बीच में इंटीरियर्स लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कोई जो है वैल्यूज नहीं होंगी जो मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बने, केवल एक हमारे पास जीरो ही है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो अगर ये पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में कि इसके लिए ऐसे कितनी जो है सोल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर सके, तो वो हमारा एक ही वैल्यू है, ठीक, जीरो, वो क्या है, एक ही वैल्यू है, जीरो। ठीक है, तो इसके लिए जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक होगा, क्या होगा, एक। ठीक, आया समझ में? तो पी के लिए जो है मतलब एक ही सोल्यूशन है, एक ही वैल्यू है जो है जीरो, जो इसको क्या कर रही है, परफेक्ट स्क्वायर में डी को बना रहे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में ऐसे जो इसको सॉल्व किया जाता है। अब देखो, इसको जीरो रख करके चेक भी कर लेते हैं तो रेशनल है, तो रेशनल आना चाहिए। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, और प्लस की और माइनस की वैल्यू क्या होती है, रेशनल ही होती हैं। ठीक, तो देखिए हमारा एक जो है रेशनल नंबर ही निकल करके आया। ठीक है, और इसको इंटरवल बढ़ा करके भी देख लेना, मान लो माइनस फाइव माइनस एट से माइन एट तक के भी इंटरवल से लेकर के देख लेना, इस कोई वैल्यू इसमें नहीं आएगी, तुम चेक कर लेना, इसमें जो है कोई वैल्यू रखने पर जो है जीरो नहीं आएगा, कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, कि जीरो ही है जिसको सेटिस्फाई कर रही है।
तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है ऐसे सॉल्व करते, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो है नोट कर लेना, और आईआईटी मेंस की जो किताब चैप्टर वाइज खरीद लेना, उसको पढ़ते जाना। अभी हम स्टार्ट किए हैं तो अभी समय लगेगा, ठीक है, और अच्छा जो है समझ में आया, क्योंकि अभी ठंडी का जो है समय भी है तो हमें भी ठंड लगती है, ठीक है, इसलिए कुछ हिम्मतें नहीं पड़ती। लेकिन गर्मी जैसी थोड़ा ठंडक कम होगी तो पर डे दो तीन जो है वीडियोज जो है अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। और पीजीटी के लिए जहाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो वहाँ कमेंट में जो है बता देना कहाँ कैसे है, क्योंकि अभी उतना नॉलेज नहीं है। मैं भी आप लोगों जैसे एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी मेरा भी एमएससी कंप्लीट हुआ है, ठीक। तो हम सोचते हैं आपको भी जो पढ़ा दें और हम भी पढ़ें, तो साथ साथ आपका भी भला हमारा भी भला है ना, और बढ़िया से जो है तैयारी करते जाओ, और हम भी साथ साथ तुम्हें करा रहे हैं तैयारी, और सब लोग जो है पीजीटी करने वाले जो उत्सुक हों अपने जो है जुड़ जाएंगे। नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप जो कमेंट करें, आप वीडियो देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी नहीं कि हमें जो है मतलब हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमें जो है पढ़ना है, एक शौक है, ठीक है। अभी हमारी एमएससी कंप्लीट हुई है, एक हमारा शौक है बस पढ़ाना, ठीक है, यूट्यूब में। इससे क्या होता है कि जो अगर एक बार पढ़ लिए और पढ़ा दिए अच्छे से तो फिर वो भूलती नहीं है, समझ रहे हो, और पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है हमें दो तीन साल का, हम पढ़ा ही रहे थे, ठीक। तो जो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए तो वहाँ थोड़ा समझ लेना, या कमेंट में बता जो है कमेंट में पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि यहाँ मिस्टेक है। वैसे कोशिश यह रही कि मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, और बढ़िया से जो है क्वेश्चन करिए और समझ में आएगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत जो है मतलब दो महीने तक तो लग ही जाएंगे इनको डालने में, ठीक है। सो थैंक यू, और बढ़िया से जो है पढ़िए और खुश रहिए और मेहनत करिए और जल्दी से जॉब लीजिए, ठीक है, धन्यवाद।